अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मिस हमदिया, टीचर ऑफ मेट्रोपॉलिटन फाउंडेशन स्कूल. स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड यू ऑल डन योर प्रीवियस वर्क नीट एंड क्लीन राइटिंग बाय योर ओन सेल्फ. स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड मंथ ऑफ जून एंड जुलाई वर्क. नाउ वी आर स्टार्ट आवर नेक्स्ट वर्क मंथ ऑफ अगस्त. Okay students, now take out computer today GABA book for third class and open page number 22. There is a chapter of computer in the society. Computers have created a very effective information system to help streamline the management of an organization. This makes it a much needed tool for every business, banking, government, entertainment, daily life, industry, education and administration. Okay students, now let's start to read and explain the chapter computer in the society. Let's see different places in our society where the computers are being used. Students, हमें देखना है कि कौन सी मुख्तलिफ जगहों पर कंप्यूटर जो है वो हमारे काम आता है या हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं. फर्स्ट, वी आर यूज्ड कंप्यूटर एट आवर होम फॉर डूइंग योर होमवर्क. यू कैन यूज द कंप्यूटर, आप अपने होमवर्क करने के लिए कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं. एंड यू कैन ऑल्सो प्ले योर फेवरेट गेम्स एट होम ऑन द कंप्यूटर. एंड आप अपने फेवरेट गेम खेलने के लिए भी कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं. नाउ अदर प्लेस, सेकेंड प्लेस वेयर आर कंप्यूटर यूज्ड इन बैंक्स. कस्टमर्स बैंक अकाउंट्स कैन बी मेंटेन्ड इन कंप्यूटर्स. कस्टमर्स के जो बैंक अकाउंट होते हैं वो कंप्यूटर के जरिए ही मेंटेन हम रखते हैं. एंड कंप्यूटर्स ऑफ वेरियस ब्रांचेस ऑफ द बैंक आर कनेक्टेड टू ईच अदर विच कैन प्रोवाइड योर अकाउंट स्टेटस. एंड कंप्यूटर के जरिए ही हम जो बहुत सी ब्रांचेज होती हैं बैंक की उसके साथ कनेक्ट रहते हैं और अपने अकाउंट का स्टेटस हमें वो शो करवाते रहते हैं. दिस ऑल्सो हेल्प द बैंक नो अबाउट द मनी विच हैज़ बिन विदड्रॉन. एंड ये बैंक के लिए भी बहुत हेल्पफुल है कि उनको पता होता है कि कितने जो मनी है वो जा चुकी है. नाउ द अदर प्लेस वेयर कंप्यूटर आर यूज्ड एट रिजर्वेशन ऑफिस. रेलवे एंड एयरलाइन रिजर्वेशन आर नो लॉन्गर अ डिफिकल्ट जॉब बिकॉज ऑफ कंप्यूटर. रेलवे एंड एयरलाइन के जो रिजर्वेशन ऑफिस हैं वो अब मुश्किल जॉब नहीं रही है कंप्यूटर की वजह से. इट कैन बी डन क्विकली विद अ फ्यू की स्ट्रोक्स. ये बहुत जल्दी काम हो जाता है रेलवे एंड एयरलाइन की टिकट के लिए. कंप्यूटर are used for communication. Transfer of information from one place to another is possible through computers. मालूमात को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए भी कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकते हैं. This transfer of information from one end to the other is known as communication. Transfer के इस जरिए को हम कम्युनिकेशन से भी जानते हैं. When you use a computer, you can send and receive pictures, videos or documents. जब आप कंप्यूटर इस्तेमाल करेंगे तो आप कोई भी चीज़ रिसीव और भेज सकते हैं जैसे कि पिक्चर्स, वीडियोस और डॉक्यूमेंट्स. अ कंप्यूटर मेक्स कम्युनिकेशन बेटर एंड फास्टर. कंप्यूटर ने कम्युनिकेशन को अच्छा और तेज बना. नाउ द अदर प्लेस वेयर आर बीइंग कंप्यूटर यूज एट प्रिंटिंग पब्लिशिंग हाउसेस. बुक्स, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स आर प्रिंटेड एंड पब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स. किताबें, रिसाले और अखबारात प्रिंट होते हैं, पब्लिश होते हैं कंप्यूटर की मदद से. व्हेन द राइटर्स प्रोवाइड द पब्लिशिंग मटेरियल इट इज कंपोज्ड ऑन द कंप्यूटर. जब राइटर पब्लिश मटेरियल प्रोवाइड करता है तो सबसे पहले कंप्यूटर में सेव होता है. देन इट इज एडिट एंड सेट इन अट्रैक्टिव स्टाइल एंड साइज टू बी प्रिंटेड. फिर उसके बाद एडिट होते हैं और बहुत खूबसूरत और अच्छे साइज में वो प्रिंट होकर आता है. कंप्यूटर्स आर यूज्ड एट इंस्टीट्यूट्स.
Tutorial material on different subjects can be stored in computers for the purpose of teaching students. Certain concepts and diagrams of mathematics and science can also be explained in a much better way using computer. Students, हम इंस्टीट्यूट के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं. हमें जो चीज़ बोर्ड पर समझ नहीं आ रही होती है वो हम कंप्यूटर में देख कर समझ सकते हैं. कंप्यूटर्स आर यूज इन हॉस्पिटल्स. द सेंसिटिव इक्विपमेंट्स यूज इन हॉस्पिटल्स आर कंप्यूटराइज. बहुत सेंसिटिव आलात होते हैं जो हम हॉस्पिटल में यूज़ करते हैं वो कंप्यूटर के जरिए ही कंप्यूटराइज होते हैं. द मशीन्स यूज फॉर चेकिंग आई साइट ऑल्सो कंप्यूटराइज. जब हम आई साइट चेक करवाते हैं तो वो भी मशीन और कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ. बिसाइड हॉस्पिटल कीप केस हिस्ट्रीज ऑफ द पेशेंट इन कंप्यूटर्स फॉर फ्यूचर रेफरेंस. दूसरी तरफ हॉस्पिटल जो है वो अपने सारे सारे केस की जो हिस्ट्रीज होती है पेशेंट्स की वो अपने कंप्यूटर में ही स्टोर करते हैं. कंप्यूटर्स आर यूज फॉर इंटरटेनमेंट. कंप्यूटर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंटरटेनमेंट. देयर आर वेरियस कंप्यूटर गेम्स दैट यू कैन प्ले. कंप्यूटर जो है अपना किरदार अदा कर रहा है इंटरटेनमेंट में. इधर बहुत सारे गेम्स हैं कंप्यूटर में जो हम खेलते हैं. यू कैन ऑल्सो वॉच मूवीज ऑन द कंप्यूटर दैट इज रिकॉर्डेड ऑन द वीडियो एंड सीडी. आप कंप्यूटर में कोई भी मूवी देख सकते हैं. कंप्यूटर आर यूज इन लाइब्रेरीज. कंप्यूटर्स आर वेरी कॉमनली यूज इन लाइब्रेरीज. कंप्यूटर आर मोस्ट कॉमनली यूज टू एक्सेस अ लाइब्रेरीज बुक डेटाबेस. अ लाइब्रेरी कंप्यूटराइज बुक डेटाबेस मेक इट इजियर एंड कीप रिकॉर्ड ऑफ बुक्स इशूड एंड रिटर्न. स्टूडेंट्स कंप्यूटर जो है वो अब लाइब्रेरीज में भी यूज होने लगा है कि हम बुक्स के जो डेटा होता है वो हम कंप्यूटर में अपने सेव कर सकें और कब इशू करनी है और कब इसको वापस लेनी है वो हम अपने कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं. कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट. इन द फील्ड ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंप्यूटर्स आर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल. दे हेल्प इन लेंथी कैलकुलेशन एंड एनालिसिस. स्टूडेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट अपार्टमेंट में कंप्यूटर यूज होता है ताकि वो अपनी लेंथी कैलकुलेशन और एनालिसिस जो वो ऑब्जर्वेशन करते हैं वो अपने कंप्यूटर में सेव कर सकें. कंप्यूटर आर यूज्ड इन डिफेंस. पावरफुल डिफेंस इक्विपमेंट्स आर्म्स एंड कम्युनिकेशंस आर नाउअडेज कंप्यूटराइज्ड. ड्यूरिंग वॉर्स मिसाइल्स आर नाउ कंट्रोल्ड एंड टारगेटेड ऑन एनिमी बाय रिमोट विद हाई एक्यूरेसी एंड स्पीड. न्यूक्लियर वेपन्स आर ऑल्सो कंप्यूटर कंट्रोल्ड. This make the defense power stronger. By pressing one button on the computer, target can be destroyed within second. Student, powerful defense के लिए अपने बहुत ज़्यादा ताकतवर equipments जो हमारे इस्तेमाल में आते हैं वो भी computerized होते हैं. जंग के दौरान missiles को control करने के लिए और अपने दुश्मन का target लेने रहने के लिए भी हम computer इस्तेमाल कर सकते हैं करते हैं. Nuclear weapons are ऑल्सो कंप्यूटर कंट्रोल्ड. न्यूक्लियर जो हथियार होते हैं वो भी कंप्यूटर के जरिए कंट्रोल होते हैं. द मेक द डिफेंस पावर स्ट्रॉन्ग. इससे हमारी डिफेंस की पावर जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है. एक कंप्यूटर के एक बटन के प्रेस से हम टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. आर यूज इन बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज. अ बिजनेस मैन कैन कीप ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ सेल्स and purchase of various goods in the computer. Student, एक businessman जो होता है वो अपने सारे records जो है वो अपने जो purchase जो किए उसने जो sell किए हैं वो अपने computer में करता है safe. He can maintain accounts of employees and calculate the salaries of his workers without spending his valuable time. और अपने accounts की जो एम्प्लॉयज होते हैं उनकी सैलरी को मेंटेन करता है एंड कैलकुलेट करता है कंप्यूटर के जरिए ताकि वो अपना जो वो वैल्यूएबल टाइम है वो अपना सेव कर सके. इंडस्ट्रीज कंप्यूटर आर यूज टू कंट्रोल वेरी क्रिटिकल मशीन्स स्पेशली दोज विच आर यूज फॉर माइक्रोवर्क्स. इंडस्ट्रीज में कंप्यूटर इस्तेमाल होता है बहुत मुश्किल मशीन्स होती हैं उनके लिए स्पेशली वो मशीनें जो माइक्रोस्कोप पर करती हैं उसमें कंप्यूटर इस्तेमाल होता है. दिस यूज ऑफ कंप्यूटर प्रोवाइड एक्यूरेट रिजल्ट एंड सेव ह्यूमन लाइफ फ्रॉम वेरियस केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल रिस्क.
स्टूडेंट्स, इंडस्ट्रीज में ये हमें रिजल्ट देता है और अपने जो रिजल्ट है उसको सेव करता है और ह्यूमन लाइफ जो है और को बचाता है वेरियस केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल रिस्क से। स्टूडेंट्स, यू सी हाउ कंप्यूटर आर यूजफुल फॉर अस एंड इन आवर डेली लाइफ। स्टूडेंट्स, आपने देखा हमारे सोसाइटी में किस तरीके से कंप्यूटर जो है वो अपना काम सर अंजाम दे रहा है और हमारे काम को ईजी बना रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम और एनी कन्फ्यूजन अबाउट दिस सब्जेक्ट, यू कैन आस्क मी। स्टूडेंट, नाउ लेट्स स्टार्ट वर्क। एक्सरसाइज 3, पेज नंबर 27, ट्रू और फॉल्स। First statement is, it is possible to withdraw money anytime from a bank while using computer. आप अपना computer इस्तेमाल करके पैसे निकाल सकते हैं bank में से कभी भी किसी भी वक्त। Yes, this statement is true, so you write T. Second statement is, computer plays a very important role in school as a tutorial aid. Computer बहुत अहम किरदार अदा करता है school में tutorial aid का। Yes, this statement is true, so you write T in box. Third statement is, you can play games on the computer. आप game खेल सकते हैं computer पे। Yes, this statement is true, so you write T. Fourth statement is, computer can be used to pay bills. Computer इस्तेमाल होता है bill payment के लिए। Yes, this statement is true, so you write T. Student, this is your work. True or false? First, you make a title page of month of August and title page of chapter computer in the society. Then you write true or false. If you have any problem or any confusion regarding this subject, you can ask me. Stay home, stay safe.